कुंडरी में विक्रेताओं द्वारा खाद के साथ कीटनाशक दवाइयां दी जा रही हैं, जबकि किसान को खाद के साथ जबरदस्ती दवाई देना गलत है, लेकिन उसके बावजूद कई खाद विक्रेता किसानों को खाद के साथ जबरदस्ती दवाइयां थोप रहे हैं। ऐसा ही मामला आज कुंडरी में देखने को मिला, जहां एक खाद विक्रेता ने किसान को खाद के साथ कीटनाशक दवाई दे दी। जब किसान ने खाद के साथ दवा लेने से इनकार कर दिया तो खाद विक्रेता ने उसे खाद देने से मना कर दिया। शैलेंद्र सिंह वासी गांव धौंस शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी कि करनाल रोड नजदीक अरमान होटल के पीछे पुंडरी में डीएपी खाद का एक नाजायज गोदाम है। ये छापेमारी की गई है, इसमें क्या मिला? शिकायतकर्ता हमारे पास आया था, तब इलेक्शन में बिजी थे हम, तो 4:30-5 जगह राउंड एसडीओ साहब आए थे। एसडीओ साहब के साथ हमने गोदाम को विजिट किया, एसडीओ साहब ने कागजों को चेक किया। जब लाइसेंस को चेक किया गया तो पाया गया कि गोदाम स्टॉक जो लाइसेंस पे रजिस्टर्ड है तो अपना स्टॉक यहीं रख सकता है। बाकी आगे ही जांच जारी है, जैसे ही फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा आप हमसे पता कर लेंगे। क्या नाम आपका? शैलेंद्र सिंह जी, गांव दोस का निवासी हूँ, सरपंच पद का उम्मीदवार हूँ। तो मेरे पास आज कुछ गाँव के लोग आए थे कि ऐसे ऐसे करके हमारे को खाद नहीं मिल रहा, तो मैं लाला जी के पास गया कि लाला जी हमारे को ऐसे ऐसे खाद की जरूरत है। लाला जी कौन है? जो ये गर्ग ट्रेडिंग कंपनी है अपनी, गर्ग पेस्टिसाइड, 3 नंबर दुकान है मंडी में। तो इनके पास गया कि मेरे को बोले भाई हम ऐसे खाद नहीं देंगे, अकेला दवाई साथ में लगाएंगे।